हमारे घर में स्वाइन ना बड़े शौक से खाते हैं, मुझे तो बड़ा पसंद है। मैं कहती हूँ मुझे 10 दिन देते रहोगे मैं 10 दिन खाती रहूँगी। नजर ही नहीं आती फिर सालन बनने के बाद। सालन रेडी है, मैं जल्दी जल्दी रोटी बना लेती हूँ, फिर आपको रोटी बना के खा के सालन दिखाऊँ, सालन बताऊँगी कैसा बना है। मैं शुरू हो गई हूँ मैं, और मेरी पहली रोटी ख़राब हो गई है। अभी इंशाल्लाह अभी कोशिश करूँगी कि अच्छी बनाऊँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, और अल्लाह के शुक्र मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, और बेल आइकन के बटन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुँचे। तो आज मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, मेरे पता नहीं क्या हो गया, दाढ़ में दर्द है, ये जगह सारी मेरी सूजी हुई है। तो बड़ी बहन की भी तबीयत ख़राब थी, उनको बुखार था, फिर मैंने सोचा चलो मैं खाना बना लेती हूँ। अभी थोड़ी मैं उठने के लायक हूँ, तो आज मैं बना रही हूँ सवाइना, उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये सवाइना मैंने बॉयल कर लिया, ये बॉयल हो गया, अभी मैं इसका मसाला बनाती हूँ जल्दी जल्दी। आज मोबाइल मैंने खुद पकड़ा हुआ है क्योंकि बच्चे गए हुए ट्यूशन, और आप ही की तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं खुद ब्लॉग बना रही हूँ। बड़ा मुश्किल होता है भाई, एक हाथ से काम करना, एक हाथ से ब्लॉग बनाना, मोबाइल पकड़ना। ये मैंने बना लिए हैं, प्याज मैंने काट लिए हैं 2, और 5 मैंने टमाटर काटे हैं, और ये हरी मिर्चें हैं, और ये आलू मैंने काट के रख दिए हैं, और ये हमारा सवाइना इसको भी मैंने बना के रख दिया है, और ये हमारा दही है, ये सुबह हमने मंगवाया था लस्सी के लिए, और खाने के लिए भी यूज़ कर लिया, ज़्यादा हो गया तो फिर मैंने ऊपर फ्रिज में रख दिया था। अभी इसमें डालूँगी मैं, हमारी कढ़ाई ख़राब हो गई है, चलो अभी शुरू करते हैं। अभी मैं इसमें डाल देती हूँ प्याज, इनको हम थोड़ी देर पकाएंगे ताकि प्याज ब्राउन हो जाए, तो उसके बाद टमाटर डालूंगी मैं। हमारे घर में सवाइना बड़े शौक से खाते हैं, मुझे तो बड़ा पसंद है। मैं कहती हूँ मुझे 10 दिन देते रहोगे मैं 10 दिन खाती रहूँगी, और बड़ी बहन को भी बहुत पसंद है, यूसुफ की मम्मा को, तो उसकी तबीयत ख़राब थी, उसने कहा मुझे सवाइना बना दो, मेरा दिल कर रहा है, मैंने अच्छा बना देती हूँ। प्याज हमारा ब्राउन हो गया, मैंने डाल दी टमाटर, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर, और 1.5 चम्मच लाल मिर्च। डाल देती क्योंकि पहले डाल देती बहुत ज़्यादा जल जाती है, सारी नज़र ही नहीं आती फिर सालन बनने के बाद। मसाला हमारा फुल रेडी है, अब इसमें मैं डाल दूँगी दही, इसमें दही डाल देती हूँ, दही डालने के बाद 10 मिनट मैंने इसको पकाया है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ आलू, आलू मैंने डाल लिए थे, और आलू अभी हल्के हल्के कच्चे हैं, माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है,
मैं तो अभी से खुश हो गई, अभी मैं इसमें डाल देती हूँ चाय। दस पंद्रह मिनट बाद इनसे रेट पक जाएगा, फिर आप लोग इनसे खाएंगे। अभी हल्की आँच पे इसको रख के पकाऊंगी ताकि ये तुम्हारे से मिक्स हो जाए। घी मुझे ज़्यादा गल गया, अभी सारा घी ही दिया। अभी आप मुझे बातें सुनाएंगे क्योंकि ऑयल खा नहीं जाता, हमें किसी को पसंद नहीं है किसी चीज़ में ऑयल ज़्यादा, और खाना ही नहीं खाया जाता। सोना हमारा बन गया है, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा बना है। ओहो ये देखो ऑयल बहुत ज़्यादा हो गया इसमें। ये धनिया मैंने काट के धो लिया, अब इसमें मैं डाल देती धनिया और फिर हमारा सालन रेडी है। सालन हमारा बन गया और अभी भी मैं जल्दी जल्दी रोटी बना लेती हूँ। अन्ना माटा घूम के रख के चली गई थी, रोटी बना लेती क्योंकि आपकी को भूख लगी है, उसने सुबह से कुछ खाया नहीं है तो तबीयत खराब थी, बस वो चाय पापी खाए। अभी मैं रोटी बना रही, रोटी खाएंगी मतलब जल्दी जल्दी बना लेती क्योंकि मेरे पास कोई बच्चे हैं नहीं जो मोबाइल पकड़े, मैंने खुद ही मोबाइल पकड़ना है। मैं रोटी बना लेती हूँ, आटा मैंने निकाल लिया है। गर्मी इतनी हो गई, आटा हमारा फ्रिज में पड़ा हुआ था ख़राब हो गया, सालन को ढकते हैं करते हैं बंद। अभी मैं जल्दी जल्दी रोटी बना लेती हूँ, फिर आपको रोटी बना के खा के सालन दिखाऊँ, सालन बताऊँगी कैसा बना है। मैं जल्दी जल्दी रोटी बना लेती हूँ, फिर आपको रोटी बना के खा के सालन दिखाऊँ, सालन बताऊँगी कैसा बना है। पेड़े मैंने बना लिए हैं और अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, ये मैंने बना लिए हैं। और ये जो आटा है ना, इसको मैं, ये ख़राब हो गया तो इसको मैं रोटी बना के अम्मी को दूँगी क्योंकि अम्मी के पास गए हैं तो अम्मी उनको खिलाएँगी। अभी बस ये रखती हूँ थोड़ी देर, मैंने कहा ये पेड़े सही हो जाए ना फिर रोटी बनाऊँगी क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था आटा तो फिर रोटी सही नहीं बनती। मैं शुरू हो गई हूँ मैं और मेरी पहली रोटी ख़राब हो गई है, ये देखिए। अभी इंशाल्लाह अभी कोशिश करूँगी कि अच्छी बनाऊँ। ये रोटी पहले बारी से अच्छी बनी है और अभी ये तीन रोटियां रह गई हैं, फिर उसके बाद मैं वो आटा जो ख़राब हो गया उसको रोटी बनाऊंगी, फिर उसके बाद मेरा काम ख़त्म। रोटी मैंने बना ली है और अभी मैं आपको खा के बताती हूँ कैसा बना सालन। बहन मेरी मुझे बताएगी नहीं कैसा बना है, अगर अच्छा भी बना होगा फिर भी नहीं बताएगी क्योंकि ये समझना यही बनाती, मैं बनाती नहीं हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब ये खाएंगे तो फिर इनसे पूछते हैं कैसा बना है। पहले उसकी तबीयत खराब, मुझे गालियाँ दे गई। अच्छा ये आवाज़ नहीं निकल दी। चलो जी यहाँ पे करते हैं, मेरे लोग को एंड मिलते हैं इनशाला नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुँचे।